जिनको के फोर्टीन ब्रेवियस लैटिस के नाम से जाना जाता है ठीक है उनमें से चार में से तीन लेटेस का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर यूनिट सेल तुम लोग देखे हो गए, चार यूनिट सेल जो या फिर चार लेटस जो हम लोग देखे थे उसमें एटम्स जो है या क्यूबिक सेल जो था वो पूरा हंड्रेड परसेंट आइटम से ऑक्यूपाइड नहीं था ठीक है क्योंकि एटम सारे जगह पे तो पूरा हंड्रेड परसेंट वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है क्यूबिक की बात करें तो वहाँ पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे था तो उन कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखे थे उस पर्टिकुलर क्यूब के लिए क्या होगा वन बायट ही होगा कोई एक कॉर्नर uh, एटम अगर लोगे तो उस क्यूब के लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई होता है ठीक है तो वो पूरा हंड्रेड परसेंट एटम से ऑकुपाइड नहीं होगा उसका कुछ परसेंटेज जो है वहां पे एटम्स रहते हैं बाकी परसेंटेज जो है खाली रहता है तो वही चीज को बोलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कि टोटल वॉल्यूम में उस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है या उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शन जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है एटम्स के द्वारा उस फ्रैक्शन को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इट टेल्स अबाउट What, mm, sorry, what fraction of total volume is occupied by atoms? तो इसको packing fraction बोला जाता है। Packing fraction को अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू ये रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन वन यूनिट सेल किसी एक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल ठीक है तो इन दोनों का जो रेशियो ले लोगे वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि सारे आइटम्स आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि हर एक आइटम को एक स्पेयर की तरह कंसिडर करोगे और उनका रेडियस जो होगा वो सेम रहेगा तो अगर सारे आइटम्स आइडेंटिकल हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू तो, नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स पहले हम लोग निकाल लें उस यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव आइटम्स प्रेजेंट हैं और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे किसी एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टोटल वॉल्यूम वहां पे मिल जाएगा हमको सारे एटम्स का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल ठीक है तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ठीक है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए पैकिंग फ्रैक्शन तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स किसी एक यूनिट सेल में z से रिप्रेजेंट करते हैं इन टू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम तो यहाँ पे स्पियर हम लोग एज्यूम किया है तो वॉल्यूम ऑफ स्पीय क्या होता है फोर बाई थ्री पा आर क्यूब तो रेडियस माल एज्यूम कर रहे हैं कि रेडियस आर है एटम का रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री पाई आर आर क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तब यूनिट सेल किसी भी शेप का हो सकता है वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तुम लोग को बताए ही कि टोटल सात टाइप्स हैं उनमें से कोई भी टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा तो उसका वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे अब ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जो भी यूनिट सेल हम लोग लेंगे वो जनरली क्यूबिकल यूनिट सेल ही लेंगे क्योंकि जो भी टाइप्स लैटिस का देखे थे हम लोग सिंपल क्यूबिक ही था फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही था तो क्यूबिकल यूनिट सेल ही लेना है और क्यों अगर यूनिट सेल क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो एज लेंथ होता है क्यूब का डिवाइडेड सॉरी इनटू सॉरी एज लेंथ का क्यूब हो जाएगा ना क्यूब होता है यस सर तो अगर एज लेंथ को एज्यूम करें तो एक क्यूब हो जाएगा ठीक है तो जनरली क्यूबिकल ही लेंगे हम लोग तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे डिफरेंट लेटे का पैकिंग फ्रैक्शन इसी में एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग सब में कैलकुलेट करने वाले हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इट इज इक्वल टू कितने नियरेस्ट आइटम टच कर रहे हैं ठीक है उसी को बोला जाता है वो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है किसी पर्टिकुलर आइटम को नियरेस्ट कितने टच कर रहे होंगे तो डेट नंबर इज डिफाइंड एज कोडिनेशन नंबर ठीक है तो एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हैल भी बोला जाता है या फिर प्रिमिटिव तो इसमें बताए थे तुम लोगों को सिंपल क्यूबिक में आटम्स कहा प्रेजेंट होगा सारे कॉर्नर पे होते हैं आइटम्स ठीक है ये क्यूब बना लो ऐसे आइटम्स जो होंगे सारे कॉर्नर्स पे मिलेंगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि सारे कॉर्नर आइटम्स जो है ना यहाँ पे आपस में कॉन्टेक्ट में है ठीक है क्योंकि बीच में तो कोई है नहीं तो सारे कॉर्नर 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 जो है आपस में 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 रहते हैं पे पे तब टोटल आठ आठ क्यूब होते हैं टोटल आठ कॉर्नर आइटम्स मिलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे z का वैल्यू तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ लिख ही लो z जो है ये इफेक्टिव नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना आ जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ बता सकते हो देखो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है तो किसी हम्म क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी कॉर्नर एटम लोग है तो उसका उस पर्टिकुलर क्यूब के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय एट होता है ठीक है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर हैं हैं। कितने? आठ तो हर एक आटम्स हो कॉर्नर तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ इफेक्टिव आइटम्स वन होता है अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बता सकते हो कोई भी एक आइटम ले लो ठीक है और उसको देखो कि नियरेस्ट कितने उसको टच कर रहे होंगे तो जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बताओ कितना होगा तीन सर तीन तो यहाँ विजिबल है जो नहीं विजिबल है वो भी ना कंसिडर करोगे कोई एक ही यूनिट सेल थोड़ी होता है इस तरह का तो वो पैटर्न ही होगा ना पूरा कंटिन्यूस यूनिट सेल होगा तो कोई भी एक एटम कंसिडर करो उसको उससे तुम लोग आइडिया लगाओ कितने नियरेस्ट एटम्स उसको टच कर रहे होंगे सिक्स हो जाएगा ही रहा है साहब सब जैसे मान लो ये एटम को अगर हम लोग कंसिडर किए तो हमको पता है कि इसमें सारे कॉर्नर एटम आपस में कॉन्टेक्ट में है ये एक यहाँ इसको टच कर रहा है ये दूसरा ये वाले को टच कर रहा होगा तीसरा तो नीचे वाले को ये टच कर रहा होगा तो तीन तो यहीं पे मिल गए बाकी एक अगर ये नीचे वाला इस तरह है तो इसके ऊपर भी तो एक कॉर्नर होगा वो एटम भी तो उसको टच कर रहा होगा तो एक यहाँ पे मिल गया चार फिर तो जैसे एक इस साइड मूव करने पे आइटम मिल रहा है उसी तरह इस साइड भी तो मूव करने पे एक आइटम होगा यहाँ पे होगा यस yes, सर तो पांच हो गए अब जैसे ये वाला सामने वा, इधर वाला जो कॉर्नर वाला आइटम था ये इसी तरह एक पीछे भी तो होगा होगा या नहीं यस yes, सर होगा तो बस तो और इसके अलावा और कोई आइटम होगा जो इसको टच कर रहा होगा बताओ तो टोटल कितना आइटम्स गए तीन तो यहाँ पे और तीन ये तो टोटल छह आइटम्स जो है नियरेस्ट इसको टच कर रहा है तो इसलिए इसके इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है कोई डाउट किसी को no, बताओ चलो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन तो फॉर्मूला अप्लाई करो पैकिंग फ्रैक्शन का z इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए क्यूब हो जाएगा अब यहाँ पे एक आर है एक ए है इन दोनों में रिलेशन निकालना होगा हमको आर और ए के बीच में तो ए जो है यहाँ पे क्यूब का लेंथ है एज लेंथ तो और आर जो है वो एटम का रेडियस है तो क्या रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे हमको पता है कि सारे कॉर्नर एटम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तो कोई भी दो कॉर्नर का एटम ले लो तो अगर ये में है तो इन दोनों के के सेंटर सेंटर को ज्वाइन करोगे तो तो वही सेंटर तो उस क्यूब का एज लेंथ बराबर है है या नहीं yes, sir. किसी भी किसी भी दो कॉर्नर एटम के सेंटर को ज्वाइन करो तो उन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वही तो एज लेंथ है तो अगर एक का रेडियस आ रहा है दूसरे का भी आर तो रिलेशन क्या आ गया एक्वल टू टू आर हो गया yes, sir. तो अब रिलेशन निकाल लिया तो जगह पे वहाँ पे 2R put करो उसके बाद आ जाएगा तो z का वैल्यू आ चुका है one है ये फोर बाई थ्री पाई ए की जगह पे आ गया टू आर का होल क्यूब तो इसको सॉल्व करोगे ना सारे वैल्यूज पुट करोगे पाई का आर आर तो आर क्यूब आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व करने पे ये आएगा जीरो पॉइंट फाइव टू तो सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो जीरो पॉइंट फाइव टू परसेंटेज में पूछा गया तो पैकिंग एफिशिएंसी बोला जाता है उसको तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछा गया तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया उसका फिफ्टी ठीक है तो मतलब 52 परसेंट वॉल्यूम ही उसका आटम से ऑक्यूपाइड है बाकी का जो 48 परसेंट होगा वो क्या है? खाली है मतलब वॉइड है समझ में आ रहा है तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 52 है मतलब 52 परसेंट ऑफ़ द वॉल्यूम जो है वो आटम्स से ऑक्यूपाइड है 48 परसेंट वॉइड है ठीक है समझ � चलो तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तो बीसीसी यूनिट सेल में हम लोग देखते हैं इसका भी वैसे ही पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ये तीन चीज कैलकुलेट करना है तो बीस सी में तुम लोग को पता ही है एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा सारे कॉर्नर पे तो होंगे ही बॉडी के सेंटर पे होता है एक एटम ठीक है वो अंदर तो अब पे बॉडी का सेंटर पे एटम आ जाने की वजह से क्या होता है कि अब कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है यहाँ पे कॉर्नर एटम जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ठीक है थेका? क्योंकि बॉडी के सेंटर पे एक, एक एटम आ गया है तो बॉडी का सेंटर वाला एटम कुछ इस तरह से होगा कि वो सारे अंदर से ठीक है एक बड़ा सा एटम है करो और वो अंदर से सारे फेसेस को टच कर रहा है क्यूब का जो फेस होता है तो अंदर इंटरनली वो सारे फेस को टच कर रहा है और बॉडी का सेंटर वाला जो एटम है उसका जो सेंटर होगा उस एटम का जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ पे होगा जहां पे क्यूब के दोनों बॉडी डायगोनल्स मीट कर रहे हैं तो वहां पे वो सेंटर होगा और उस सेंटर से वो पूरा एटम होगा अंदर और वो इंटरनली क्यूब के सारे फेसेस को टच कर रहा है तो यहाँ पे कॉर्नर एटम्स तो आपस में कांटेक्ट में नहीं है लेकिन सारे बॉडी के सेंटर वाले एटम के कांटेक्ट में होगा समझ रहे हो सारे कॉर्नर एटम्स जो हैं बॉडी के सेंटर पे जो एटम है इसको टच कर रहा होगा सारा कॉर्नर एटम

तो उसके लिए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वन हो गया तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया बीसीसी में टू ठीक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो तुम लोग कोई भी एक एटम कंसीडर करो उसको नियरेस्ट कितने एटम्स टच कर रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आया था इसमें बताओ कितना आएगा बोलो फटाफट सर एट हुँ. एट आ गया yes, आ गया गया सबका यस सर बाकी लोग किसी को डाउट है एट में सर no, तो कोई भी एक आइटम लोग जैसे बॉडी का सेंटर वाला ही आइटम लेते हैं हम तो हम देख रहे हैं कि वो बॉडी का सेंटर वाला आइटम वो कितने आइटम्स के नियरेस्ट कांटेक्ट में होगा तो आठों कॉर्नर आइटम तो उसको टच कर रहा है तो वही आठ तो उसके क्लोज कांटेक्ट में है ठीक है तो नियरेस्ट कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं 8 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8 तो इसके इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं चलो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमको एक रिलेशन चाहिए क्यूब के एज लेंथ और एटम का रेडियस के बीच में तो यहां पे रिलेशन कैसे आएगा तो यहाँ पे तुम लोग को ये बताएं बॉडी के सेंटर वाला मान लो ये आइटम है और ये बॉडी के सेंटर वाला आइटम जो है सारे कॉर्नर आइटम्स के कांटेक्ट में है तो मान लेते हैं एक टॉप के कॉर्नर वाला आइटम और एक बॉटम के कॉर्नर वाला आइटम ये तीनों के जब सेंटर को ज्वाइन करोगे ये तीनों का सेंटर ज्वाइन करोगे तो ये कौन सा मिलेगा ये क्यूब का बॉडी डायगनल होगा या नहीं होगा बताओ से होगा ये है बीच वाला बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है ठीक है और ये टॉप मोस्ट कॉर्नर वाला और ये नीचे बॉटम कॉर्नर वाला अब इन तीनों के जो सेंटर को ज्वाइन करोगे ये तीनों तो बॉडी डायगोनल के लाइ करेंगे ना क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है तो उसके अलाग लाई करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन हम निकालना चाह रहे हैं तो टोटल इसका बीच वाला क्यूब जो है सॉरी बीच वाला जो आइटम है उसका तो टू आर हो गया इधर आर और इधर आर टोटल हो गया फोर आर और क्यूब का जो बॉडी डायगनल होता है अगर क्यूब का एज लेंथ ए है तो क्यूब का बॉडी डायगनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट यही होता है ना क्यूब का बॉडी डायगनल रूट थ्री ए हो गया और ये किसके इक्वल रिलेशन भी मिल गया हमको हम तो लोग जेड है यहाँ पे टू और इन टू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एक क्यूब तो एक क्यूब की जगह अब क्या पुट करोगे का रिलेशन क्या आ गया फोर आर बाय रूट थ्री तो यहाँ पे पुट कर दोगे टू इंटू फोर बाय थ्री पाई क्यूब और एक ही जगह पुट कर दिए हम लोग फोर आर बाय रूट थ्री का होल क्यूब तो इसको जब सॉल्व करोगे आर क्यूब आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व करने पर वैल्यू आता है ये जीरो पॉइंट सिक्स एट तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया वहां पर जीरो आ रहा था यहाँ पे बढ़ के हो गया 0.68 तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछा गया तो तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 68% 68% पैकिंग एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे वॉइड कितना होगा 32% 32% स्पेस जो है उस यूनिट सेल में खाली होगा वहां पे कोई भी एटम्स नहीं होंगे आउट ऑफ 100% बाकी सिक्सटी एट परसेंट जो है वो ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ठीक है तो ये हो गया बीस yes, देख लो किसी को डाउट है तो बताओ तो सिंपल क्यूबिक हो गया बीसीसी हो गया नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है एफ सी सी ठीक है इन्हीं तीनों का हम लोग को करना है तो थर्ड हम लोग देख रहे हैं एफ सी सी सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में तो अब यहाँ पे देखो कैसा सीन होता है इसमें बताए थे अरेंजमेंट आइटम्स का कैसे होगा तो यहां पर एटम्स कॉर्नर सारे कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही प्लस उसके अलावा और कहा होता है सब फेसेस पे हम्म सारे फेस के सेंटर पे ठीक है तो क्यूब में टोटल छ फेस होंगे तो हर एक वो फेस के सेंटर पे एक एक आइटम होगा ठीक है, ठीक है? तो आइटम्स का अगर यहाँ हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो सारे कॉर्नर पे आइटम है और हर एक फेस के सेंटर पे तो जैसा मान लो ये सेंटर वाला एटम ऐसे ड्रॉ कर रहे थ्री ये पीछे वाला फोर ये फाइव ये सामने वाला सिक्स ठीक है ये थ्री डी में है ऐसा सोचना चलो तो ये हो गया इनका अरेंजमेंट यहाँ भी वैसा ही सीन है कि कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हर फेस के सेंटर पे एक, एक एटम आ गया तो फेस के सेंटर पे एटम आ जाने की वजह से कॉर्नर एटम्स जो है सेपरेट हो जाते हैं लेकिन सारे कॉर्नर एटम जो है उस फेस के सेंटर वाले एटम के टच में होंगे मतलब जिस फेस की बात कर रहे हैं जैसे मान लो अपने जिस रूम में बैठे हो उसका सीलिंग कंसिडर करो ऊपर तो सीलिंग के सेंटर पे अगर एक एटम होगा तो वो क्या होगा वो सीलिंग का जो चार कॉर्नर है उन चारों कॉर्नर पे ठीक है सर इसमें अपोजिट फेस के टर्म टच में नहीं रहेंगे। अपोजिट, अपोजिट भी कांटेक्ट में है जैसे ऊपर वाला ऊपर वाला जो होगा सीलिंग वाला जो सीलिंग के सेंटर पे जो आइटम होगा तो उसके दोनों साइड जो वॉल है दोनों साइड इनफैक्ट तीनों साइड तीन वॉल है ना सीलिंग के एडजस्टेंट में यस yes, सर तो उन तीनों के सेंटर पे जो एटम होगा उसको भी तो टच कर रहा होगा क्योंकि वो थ्री में है एटम है ना तो आधा एटम तो उसका नीचे होगा आधा बाहर निकला हुआ होगा ठीक है तो वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो सीलिंग वो उन तीनों एडजेसेंट वॉल जो या एडजेसेंट फेस बोल दो तो उनके सेंटर पे जो आइटम है उन तीनों को वो टच कर रहा होगा सर मेरा क्वेश्चन था कि वो अपोजिट सेंटर में जो है वो वो फ्लोर फ्लोर के के जैसे सीलिंग पे है वो फ्लोर के से टच तो नहीं कर रहा होगा? नहीं नहीं फ्लोर वो बीच में खाली होगा ना बीच में वाइड होगा सीलिंग के सेंटर पे जो आइटम है वो फ्लोर के सेंटर वाले आइटम के कांटेक्ट में नहीं होगा ठीक है वो सिर्फ अपने एडजेसेंट जो तीन फेसेस हैं, उनके सेंटर पे जो एटम होगा उसके कांटेक्ट में है और बाकी जो है चार कॉर्नर एटम्स जो होंगे ऊपर उसके कांटेक्ट में होगा ठीक है yes, चलो तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बताओ पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितना आ रहा है जेड का वैल्यू एफेक्टिव कितने एटम्स मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ फोर सिर्फ थ्री थ्री या फोर फिर चार होगा हम्म <laughs> और हो जाएगा ना क्योंकि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन वन बाय टेन टू एट प्लस यस चार होगा फेस के सेंटर पे जो एटम है फेस के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो तो हाफ होता है क्योंकि दो ही क्यूब में वो शेयर्ड है तो हाफ इन टू टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए टोटल फोर ठीक है तो ये हो गया जेड yes, इफेक्टिव अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बताओ इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सोचो पहले अच्छा से कोई भी एक आइटम ले सकते हो फिर तो उसको कंसिडर करो कि नियरेस्ट कितने उसको टच कर रहे हैं तो जितना भी नंबर आएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हुआ सो फोर फोर ही आ रहा है और किसी का चार ही कहा से आया यार चार तो बहुत बोलो बाकी और किसी का इतना क्या सोच रहे हो उसमें चार कैसे आ रहा है चार तो कॉर्नर ही जैसे मान लो कोई भी एक फेस का सेंटर का ही एटम कंसिडर करो तो. तो चार तो ऊपर का कॉर्नर एटम ही उसको टच कर रहा है बाकी तीन तो वो एडजेसेंट वाले जो आ, फेसेस हैं उसके सेंटर पे जो एटम है वो टच कर रहा है तो सात तो यहीं पे दिख रहा है नहीं, नहीं, और भी बड़ा टेन से ज्यादा होगा हम्म हम्मल्व ट्वेल्व में करेक्ट आंसर क्या आया सबका ये सर आ गया 12 हो जाएगा ना किसी को डाउट है ट्वेल्व में बताओ मतलब नियरेस्ट कोई भी एटम अगर कंसिडर करोगे तो नियरेस्ट ट्वेल्व एटम्स होंगे जो उसको टच कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में ट्वेल्व हो जाएगा बताओ किसी को भी डाउट है तो बताओ या फिर सबका ट्वेल्व आ गया सर बताइए ना कैसे हम देखो यहाँ बताना ऐसे डिफिकल्ट चलो देखो जैसे मान लो जिस रूम में बैठे हो उसी रूम को कंसिडर करो तुम लोग तो उसका कोई भी एक वॉल ले लो ठीक है चारों में से चार वॉल हैं तो उसका कोई भी एक वॉल कंसिडर करो उसके सेंटर पे अगर एटम है ठीक है तो अगर उस सेंटर पे एटम एज्यूम कर रहे हो तो पहले तो उस वॉल के चार जो कॉर्नर है वो तो उसी के कांटेक्ट में होगा तो चार तो वहीं मिल गए ठीक है अब उस वॉल वॉल के एडजेसेंट में तीन तुमको मिलेगा दो साइड वाला एक फ्लोर वाला और एक सीलिंग वाला चार होगा यस yes, सर तो चार कॉर्नर हो गया और चार तुम्हारा एडजेसेंट एडजस्टेंट uh, जो फेस है उसके सेंटर पे तो चार चार आठ हो गया तो आठ यहाँ हो गया इसी तरह आठ जिस रूम में तुम बैठे हो तो उसमें आठ मिल गया उसके पीछे वाले रूम में उसके या बगल वाले रूम में भी तो चार फेसेस होंगे यस yes, सर वो, वो, वो तो वो तो उस साइड भी निकला हुआ होगा ना वो एटम थ्री हाँ. डी में तो जितना इधर पोर्शन निकला हुआ है उतना उस साइड भी पोर्शन निकला हुआ होगा तो उधर भी तो वो चार एडजेसेंट फेसेस के सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा तो चार कॉर्नर वाले होगा, चार कॉर्नर एटम इधर हो गया चार फेसेस वाले एक इस साइड वाले में एक आगे और चार पीछे तो चार चार आठ और फोर ट्वेल्व ठीक है यस सर तो कोई भी एक एटम को एज्यूम कर सकते हो कॉर्नर वाले को भी तुम एज्यूम करके विजुलाइज कर सकते हो उसमें भी 12 भी आएगा यहाँ पे हम फेस के सेंटर वाले से निकाले तुम कॉर्नर आइटम को भी कंसिडर करके कर सकते हो 12 आएगा तो इसलिए इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया ट्वेल्व इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स है फोर इन फोर बाय थ्री पाई अब यहाँ पे रिलेशन चाहिए ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा बता और आर डायगोनल वगैरह

तो स्क्वायर का जो डायगनल होता है वही तो उसका फेस डायगनल होगा तो स्क्वायर का डायगनल अगर एज लेंथ ए है तो स्क्वायर का डायगनल यहाँ पे टू आर और ये आर और ये आर तो रूट टू एक्वल टू फोर आर ठीक है तो अब यहाँ पे एक जगह पे पुट कर दोगे फोर आर बाय टू तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा फोर इंटू फोर बाय थ्री पा आर क्यूब और एक ही जगह पे फोर आर बाय टू का होल क्यूब तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जीरो पॉइंट सेवन फोर ये याद रखना है तुम लोग को तीनों का फाइव जीरो पॉइंट फाइव टू सिंपल क्यूबिक का BCC का जीरो पॉइंट सिक्स एट एफ का जीरो पॉइंट सेवन फोर तो इसका मतलब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हो गया सेवेंटी फोर परसेंट मतलब सबसे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है एफसीसी वाला सेवेंटी फोर परसेंट ये आइटम्स है कुपार्ड में इसमें कितना होगा ट्वेंटी सिक्स परसेंट वर्ड है ठीक है तो सबसे लिस्ट एफिशिएंट पैकिंग था सिंपल क्यूबिक सबसे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है इन तीनों में से FCC face centered cubic ठीक है तो ये तीनों हम लोगों को ना था डिटेल में तो इनका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम लोग देख लिया पैकिंग फ्रैक्शन पे और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पे देख लो किसी को डाउट है किसी में तो पूछो इन तीनों में से पूछना है बोलो हेलो हेलो अरे yes, इसमें पूछना हो गया ना ये क्लियर है ना सबका यस सर चलो तो ये हो गया। इसमें एक और देखोगे एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे डेंसिटी 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 वाला। ऑफ ऑफ यूनिट तो डेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी जैसे नॉर्मल डेंसिटी निकलता है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो उसी तरह यहां भी करेंगे हम लोग डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ यूनिट सेल तो ये चीज यहाँ भी करना है तुमको तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा तो किसी यूनिट सेल में मास कहाँ से आएगा एटम्स से ही आएगा तो जितने भी टोटल एटम्स का मास हो जाएगा मास ऑफ ऑल द एटम्स एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं इन वन यूनिट सेल लिख लो तो उसका टोटल जितना मास हो जाएगा उसी को हम लोग टोटल मास बोल देंगे डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे ठीक है क्योंकि एक ही जैसा एज्यूम करते हैं हम लोग इफ ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल तो आइडेंटिकल है तो उनका मासेस भी सेम होगा रेडियस भी सेम होगा ठीक है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम किसी एक एटम का मास इन टू क्या कर दोगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल उस एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव एटम्स हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ये डेंसिटी होगा तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं मास ऑफ वन एटम कैसे निकालोगे अगर यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे तुमको दिया रहेगा किसी भी एक एटम का मास तो यहाँ पे हमको मोलर मास से रिलेट करना है तो हमको पता है कि अगर एन एटम्स होता है किसी भी आ, एटम का या किसी भी एलिमेंट का अगर एन एटम्स ले हो मतलब वन मोल एटम अगर ले रहे हैं हम लोग तो मोलर मास के इक्वल होता है यानी बोलो हम्म यस सर तो एन एटम्स मतलब वो कैपिटल एम मतलब उस एलिमेंट का वो मोलर मास है तो मोल एम ग्राम के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे वन एटम का मास निकालना है तो वन एटम का मास क्या हो जाएगा कैपिटल एम बाय एन ए मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और इतना ये ग्राम हो जाएगा तो ये चीज यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मास ऑफ वन एटम की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे कैपिटल एम मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर और उधर क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड ठीक है और डिवाइडेड बाय ये एन आ गया और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को वी से डिनोट करते हैं तो ये फॉर्मूला आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया और ठीक है और जनरली यहाँ क्यूबिकल ही होगा ठीक वो ध्यान देना होगी किस टाइप का वो लैटेस्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालना होगा तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं उससे क्वेश्चन है नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बेसिस स्ट्रक्चर एट पॉइंट फाइव फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट एटोमिक रेडियस ऑफ नायोबियम और नायोबियम का मोलिकुलर वेट जो है MW मॉलिकुलर वेट ऑफ इक्वल टू या मोलर मास 93 ग्राम है ठीक है करो कैलकुलेशन होगा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो करके बताओ जल्दी यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पर ठीक है यूनिट किस में दिया है सारे यूनिट एक

वो कहाँ नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में हम लोग मेजर करते हैं तुम तो यार सेंटीमीटर में लिया Sir, 1.432 into 10 to the power minus 8 centimeter.

बोलो और किसी का हुआ या नहीं हो गया सर हम्म hmm. तो वही सही आंसर आ रहा है ना आंसर लिख दे रहा है मैच कर लेना तुम लोग आंसर है वन पॉइंट फोर थ्री एंटो टेन टू डी पावर माइनस एट सेंटीमीटर ठीक है चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे डेंसिटी वाले ठीक है तो आसान है एक ही फॉर्मूला है बस इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ये तो हो गया पैकिंग फ्रैक्शन डेंसिटी से रिलेटेड आगे शाम को एक क्लास है ना तुम लोग का शाम को भी क्लास है ना आज यस yes, सर तो उसमें आगे हम लोग करेंगे ठीक है आगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस ना पैकिंग एफिशिएंसी तो हो गया है पैकिंग क्लोजेस्ट पैकिंग के बारे में डिस्कस करना है तो वो आगे क्लोजेस्ट पैकिंग और वॉइड्स के बारे में तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं ठीक है शाम वाले क्लास में वो देख ठीक है तब तक तुम लोग यहाँ पे ये पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और डेंसिटी वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बुकलेट है ना सबके पास है या नहीं बुकलेट तो होगा ही ठीक है बाकी हम देखते हैं शाम वाले क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे किसी को पूछना है इसमें कुछ बोलो हेलो इसमें पूछना है किसी को कुछ no, नहीं चलो फिर तो आगे शाम वाले क्लास में करते हैं आगे ठीक है एंड कर दे रहे